यूपी के जिला जालौन के कालपी कॉलेज कालपी में मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी डॉक्टर प्रमिल कुमार सिंह एवं विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा की अध्यक्षता में मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये समय दोबारा नहीं आएगा। आज जितना अधिक परिश्रम कर लोगे वही शेष जीवन में काम आएगा। आज ही अपना लक्ष्य तय कर लो। छात्राएं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, साथ ही मानसिक रूप से मजबूत होना भी अति आवश्यक है। प्रिंसिपल मैडम, सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, बच्चियां, इसका जितना अच्छा यूटिलाइजेशन आप कर लेंगे उसका उतने लाभ आपको फ्यूचर में मिलेगा। मैं कहता हूं कि आप अपना श्रम तय कर लो। आज श्रम करके बाकी समय हम अच्छे से रहेंगे, आज घूम फिर करके मजे लेकर के बाद में श्रम करेंगे, ये आपको अपना डिसाइड कर लेना है। जो आज मिशन शक्ति का कार्यक्रम किया गया है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, आत्म सुरक्षा, आत्म सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाई गई मिशन शक्ति एक योजना है, जो शारदीय नवरात्रि से प्रारंभ हुई और नेक्स्ट वासंतिक नवरात्रि तक चलेगी। इस मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत तभी से हमारे यहाँ अनवरत कार्यक्रम चल रहे हैं, कभी योगा का क्लास तो कभी उनके पोषण का, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए अनवरत, कभी वेबिनार, कभी सेमिनार, कभी संगोष्ठी कार्यक्रम चलते रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर धर्मेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर राधा रानी, डॉक्टर सोमचंद्र, डॉक्टर सीबी सिंह, डॉक्टर आरती पांडे, डॉक्टर लक्ष्मी ओझा, डॉक्टर पंकज द्विवेदी, डॉक्टर विवेक निगम, पुस्तकालय प्रभारी अन्नू चौधरी, कर्मचारियों में श्याम बहादुर, मुकेश, पप्पू खां सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।